यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से नई शिक्षा नीति के कारण से हमने अपने देश के अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को लेकर के गया जमाना जब शिक्षा में हम अपने जितने भी आराध्य हैं उन आराध्य का नाम भी नहीं ले सकते थे, भगवान राम भगवान कृष्ण जिनकी अच्छाइयों को सामने नहीं रख सकते थे। मुझे गर्व है 2020 की शिक्षा नीति के बाद हमने अपने पाठ्यक्रम में भगवान राम का भी स्थान दिया है, भगवान कृष्ण का भी दिया है। ये हमारी संस्कृति, और आप तो हम सब और आनंद में है। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा दूर थोड़ी है मुरैनाथ से। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आज आपको सौगाते भी दिए और हेलीकॉप्टर वाले भी बार बार पर्ची देके बता रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ के पहले हम आपके इसी श्योपुर जिले के विजयपुर से आ रहे हैं, और आज यहाँ आकर दिवनी में भी कुछ काम बताया श्री मंगल सिंह जी ने, आपने जितने मांगे उतने सब मंजूर कर दिए, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, कुछ आत्मीयता ज्यादा ही है, और नरेंद्र सिंह जी भाई साहब जब बैठे तो फिर कोई किस बात की कैसी कमी हो सकती है। मेरे पास कुछ पत्र आए हैं कि जरा इनकी सारी बातों की मुझे घोषणा करना, और घोषणा नहीं करना करके भी दिखाना। तो मैं आज आपके बीच में से ये जो कुछ बातें आई है मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। दिवनी में 2 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन की मांग आई, बनाना चाहिए, आप लोग बोलो बनाना चाहिए, तो जरूर बनाया जाएगा 2 करोड़ की लागत से दिवनी में सामुदायिक भवन। जोरदार अभिनंदन, ताली वाली में तो बजाओ यार, घोषणा कर रहे हैं। और आपने कहीं बांध की मांग होती तो समझ में आता है, लेकिन इतने अच्छा लिखते हैं शिवमंगल सिंह तोमर जी, क्वारी नदी को रोक कर कमतरी गुरुहा गोपी कंचनपुर के ऊपर बांध बनाना। मेरे को बताओ शिवमंगल सिंह जी, पानी रोकेंगे तभी तो बांध बनेगा, बांध का मतलब ही पानी रोकना है। इतना बढ़िया लिखते आनंद आ जाता, क्वारी नदी रोक करके बांध बनाना, ये मेरे को ऐसा लगा कि बिना रोके कि कोई बांध बनता होगा क्या। बड़े गांव से महेबा पूरा होकर अजनोता बाया श्री सिरमिति डोंगरपुर मार्ग, जोरदार अभिनंदन करो, ये भी यही बनाने की घोषणा करता हूं। दोहाटी बरगमा कटेलापुरा पीडब्ल्यूडी मार्ग पर कुंवारी नदी, फिर आ गई कुंवारी नदी पर पुल के निर्माण की मांग की गई, करना चाहिए क्या, करना चाहिए, निश्चित रूप से पुल बनाया जाएगा, यहीं से मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। जिला कलेक्टर लिखते जाना ये सारे कामों को करना है। एमपीबी के भी कुछ काम बताए गए हैं, ग्राम चेटा बर्थैया में 3311 केवी का सब स्टेशन का निर्माण कार्य मांगा गया है, जरा अभिनंदन करो, ये भी बनाने की घोषणा की जाती है। ग्राम नयापुरा खिरेटा में 33 केवी का एक और सब स्टेशन, एक और जोरदार तालियां बजा दो, ये भी बनाया जाएगा। ग्राम लहर में 33 केवी का सब स्टेशन, मैं इसको भी बनाने की घोषणा करता हूँ। लेकिन बार बार भी आएंगे, एक ही बार थोड़ी आएंगे, आज थोड़ा शांति पुष्टि भी रखो भाई। अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, प्रभारी मंत्री ने इशारा कर दिया अगली बार आना है फिर घोषणा करेंगे, लेकिन ये सारे काम करने की घोषणा करता हूँ। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पूरे कार्यक्रम का। सच्चे अर्थों में आज मैं खुद आकर के अपने आप के आनंद की कोई कल्पना नहीं, इतने आनंद में डूबा हूँ। मैं अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा विकास के एक एक संकल्प को पूरा करते हुए पूरे प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाकर लिए हम प्रदेशवासियों के लिए बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।